हमारे साथ संदीप यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि जो आज रैली निकाली उससे कुछ परिवर्तन दिखने वाला है कल? अब जनता ने जिस तरीके आज इस साइकिल रैली को सार्थक और अच्छी ढंग से भागीदारी निभा करके इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, इससे सिद्ध होता है कि नौजवानों और युवाओं के हौसले से अब हमारी सरकार जल्द ही अगले चुनाव में आने वाली है। और आज जो था वो हमने आदरणीय श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया है और जनता को संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में भारी सीटों को जीतकर सरकार बनाएंगे। हमारे साथ ताराचंद रावत भी मौजूद हैं, जो मोहन विधानसभा में अति सक्रिय पाए जाते हैं, हमेशा यहाँ पे कार्य करते दिखते हैं। तारा जी, क्या कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार आवाज तो उठा रही है मगर उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है जमीन? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हम लोग जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे साइकिल यात्रा निकाली गई, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सरकार चरम सीमा पे है, किसी भी मुद्दे पे सही नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी, ना हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही, चाहे डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे गैस की बात करें, और नौजवान जिस तरीके से हमारा देख रहे हैं आप, किस तरीके से भटक रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने केवल झूठ बोलने का काम किया है और हमारे युवाओं को नौकरी से वंचित कर दिया। मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे हर एक सरकार बोलती है, योगी जी बोलते हैं कि मैं शिक्षा में बहुत सक्रिय हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ योगी जी, केवल आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सक्रिय होते तो बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ न करते। अब मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, मांग करना चाहता हूँ, अगर उस शिक्षा के ऊपर जरा भी चिंतित हैं तो हर एक बच्चे को स्मार्टफोन दिलाने का काम करें, जिससे ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सके। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सभी लोग जानकारी में 2 सालों से कोविड है, अगर जब मिड डे, जब सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल बच्चे जाते थे तो उनको मिड डे मील की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई स्कूल जाके, प्राइमरी स्कूल में जाकर चेक किया है, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को कहना है, प्रिंसिपल को कहना है कि नहीं, बच्चों के खाते में पैसा आता है, लेकिन मैंने गार्जियनों से बात की तो गार्जियनों ने साफ मना कर दिया कि बच्चों के खाते में कोई पैसा नहीं आता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी, जो बच्चे भारत देश का भविष्य हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि किसानों की बात करती है, सरकार कहती है मैं 6,000 रुपये किसानों को दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, एक तरफ आप जो हमारी डीपी की बोरी थी, खाद की बोरी थी, उसको आपने 45 किलो कर दिया और उसी को काट करके आप एक तरफ 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं, तो एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से आप दे रहे हैं। जनता के साथ छलाव हो रहा है और आज ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरा मैसेज चला गया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीएम होंगे और मोहन विधानसभा में भारी मतों का विधायक जीतेगा, भारी मतों से, और अखिलेश यादव सीएम होंगे, यहाँ का विधायक बनेगा अखिलेश यादव, जिंदाबाद। हमारे साथ दीपक जी भी मौजूद हैं। दीपक जी, क्या संदेश है जनता के लिए समाजवादी पार्टी का? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अराजकता इस उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है, महंगाई चरम सीमा पर है, आप देख रहे हैं अभी भी सिलेंडर के दाम अभी बढ़ा दिए हैं, किसान बहुत परेशान है, किसान को उसका उचित दाम नहीं दिया जा रहा है, धान की फसल इस समय किसान लगा रहा है, जितनी भी उसको परेशानी हो रही है, उसको न्यूनतम मूल जो है, भाई वो गारंटी कह रही है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन उसके जो मूल्य है उसके फसल का, वो गारंटी आप नहीं दे रहे हैं। आप बता रहे हैं जो तीनों काला कानून लाए हैं, हम लोग मांग करते हैं इस काले कानून को रद्द किया जाए, हमारे किसानों की आवाज़ उठाई जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की इस रैली से या पूरे उत्तर प्रदेश में जो जना संदेश, ये जो इनके जनेश्वर मिश्र जी की जयंती जो आज थी और जो साइकिल रैली निकाली गई है, इससे युवाओं में बहुत जोश है और युवा मुख्यमंत्री देखना चाहता है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव, शुक्रिया।